हाय गाइस, तो आज हमारा वाह लग चुकी है मारुति सुजुकी को, और आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल पे, जो कि कमलेश कार एसेसरीज है। और आज हमारा वाह लग चुकी है वापस जो मारुति सुजुकी BS6 मॉडल इको, जो कंपनी फिटेड CNG है, आप अंदर देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पावर विंडो का भी वर्क स्टार्ट हो चुका है, सेंटर लॉक का भी वर्क स्टार्ट हो चुका है, और जो पावर विंडो है वो RD ब्रांड का है, और जो सेंटर लॉक है वो भी RD ब्रांड का ही है। तो यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो चुका है। और हाँ गाइस, ये सभी सॉकेट टू सॉकेट ही होगा, कोई कंपनी की वारंटी अवॉइड नहीं होगी। और हाँ गाइस, यहाँ पे हम फ्लोरिंग मैटिंग भी करने वाले हैं, जो कि पूरी लेदर में रहने वाली है। व्हील कैप्स लगाने वाला है, स्पॉइलर लगाने वाला है, यहाँ पे क्रोम किट भी लगाने वाला है, रियर में फुटस्टेप भी लगाने वाला है। सो यहाँ पे गाइस दोनों इको आ चुकी है, और यहाँ पे फ्रंट गार्ड का काम स्टार्ट है। पावर विंडो और सेंटर लॉक का तो वर्क स्टार्ट ही है। और हाँ गाइस, यहाँ पे जो रियर का स्टेप भी हमने लगाया हुआ है वो ब्लैक और सिल्वर में हैवी ड्यूटी वाला लगाया हुआ है। तो यानी हम अंदर फ्लोरिंग भी करने वाले हैं। गैस की किट भी हमने नीचे उतार दी गई है, शिफ्ट की हुई है। और यहाँ पे हमारे वहाँ लग चुकी है दूसरी इको, जो कि बहुत दूर से आई हुई है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि गाड़ी भी कहाँ से आई हुई है, नासिक के आगे से आई हुई है स्पेशली मॉडिफिकेशंस करवाने। और हाँ गैस, ये भी पूरी नेकेड गाड़ी है, आप देख रहे हो, और इसमें भी फ्लोरिंग भी है, और आगे का जो फ्रंट गार्ड है इसमें भी है। और अब यहाँ पे नंबर प्लेट भी देख सकते हो, नंबर प्लेट तो आई नहीं हुई है, पर यहाँ पे पार्सिंग देख सकते हो MH20। तो यानी बहुत दूर से आई हुई है ये गाड़ी भी पार्सिफिकेशन करवाने स्पेशली। तो यहाँ पे हमने जो बैटिंग है, यहाँ पे सेंटर लॉक का वर्क है वो भी फ्लिप वाली है, और यहाँ पे हमने पीछे स्पॉइलर भी इंस्टॉल कर दिया है, आप देख सकते हो कि प्रॉपर फिनिशिंग में हमने स्पॉइलर इंस्टॉल किया हुआ है। और ये जो सेम कलर है वो सेम कलर में ही रहने वाला है, 19-20 भी कलर में नहीं होना होगा। और हाँ गाइस, यहाँ पे हमने पीछे लॉक भी लगाना है, तो ये भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। सो गाइस, सेंटर लॉक भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि टॉर्क कंपनी का रहने वाला है, जो कि हम सभी गाड़ियों में टॉर्क का लगाते हैं, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, 3 ईयर्स की वारंटी रहती है इसमें। और हाँ गाइस, आप इसका की भी देख सकते हो कि कैसे की हुई है, 3 ईयर्स की भी वारंटी है, तो यानी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे क्रोम वाला भी बॉर्डर दिया हुआ है, उससे भी लुक अच्छा आता है। और आ गाइस, जो मेन चीज़ है ये कनेक्टर, ये हम कनेक्टर भी इसमें लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आप देख सकते हो ये कनेक्टर। यानी इसके बिना हम सेंटर लॉक भी नहीं इंस्टॉल करते, बाकी वायरिंग कट का प्रॉब्लम आ सकता है ये नहीं लगाने से, आप ये लगाते नहीं हो तो वायरिंग कट का भी इश्यू आता है। और हाँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इको स्लाइडिंग डोर कॉन्टैक्ट स्विच, यानी ये बहुत ज़रूरी है सेंटर लॉक में। तो यहाँ पे हम सीट कवर भी इंस्टॉल करने वाला है इसमें, सन फिल्म भी इंस्टॉल करने वाला है, और जो पीछे का रियर लॉक है वो भी हम इंस्टॉल करने वाला है। तो हाँ गाइस, ये सभी काम कमलेश कार एसेसरीज पे ही हो रहा है। और आज सुबह से दोनों इको आ चुकी है, ये भी बहुत दूर से आई हुई है स्पेशली मॉडिफिकेशंस करवाने, और ये भी स्पेशली मॉडिफिकेशंस करवाने बहुत दूर से आई हुई है। यहाँ पे मैं आपको कस्टमर से भी मिलवा दूँगा, जो कि दोनों गाड़ियों के कस्टमर है, उनसे आपको मिलवा दूँगा कि काम भी कैसा लगा, और आपको जो रिव्यू है वो भी दिखा दूँगा। गाड़ियों में हमने इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पर नंबर प्लेट का भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, फुटस्टेप यहाँ पर प्योर SS वाला हमने इंस्टॉल किया हुआ है, और यहाँ पे भी जंग बंग लगने के कोई चांसेस नहीं रहे। सो गाइस, यहाँ पे तीनों तीन इको का मॉडिफिकेशन वर्क स्टार्ट है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ग्रे गाड़ी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो यानी सभी इको बिना नंबर प्लेट के ही है, वो भी मैं आपको चेक करवा लूँगा, ये देख लो आप, ये भी विदाउट नंबर प्लेट है, ये भी विदाउट नंबर प्लेट है, और जो इस वाली दिखाई वो भी विदाउट नंबर प्लेट ही है, ये आप देख लो। यानी जो इसमें वर्क हुआ है वो पूरा प्योर SS वाला फुटस्टेप हमने लगाया हुआ है,
जो कि इसमें जंग बंग भी नहीं आएगा। और हाँ गाइस, इसमें जो फ्लोरिंग मैटिंग भी किया हुआ है हमने, और सीएनजी को इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं किया हुआ, जो कि जो मैटिंग किया हुआ है वो पूरा फुल फ्लोरिंग किया हुआ है, यानी यहाँ पे आगे भी हमने मैटिंग किया हुआ है। ये आप देख सकते हो कि हम जो ड्यूअल स्टिच वाली मैटिंग लगाते हैं वही हम लगाते हैं, और यहाँ पे मोबाइल का स्टैंड लगा हुआ है, और जो दूसरी जो चीज़ है ये यहाँ पे क्रोम किट हमने इंस्टॉल की हुई है, आप देख सकते हो, जो कि चारों चार हैंडल पे हमने इंस्टॉल की हुई है। कस्टमर को यहाँ पे जो कटोरी आती है बाउल वो नहीं लगवाना था, इसके लिए हमने ये छोड़ दिया है, और यहाँ पे हमने टेल लाइट के भी लगाई हुई है क्रोम, आप देख सकते हो दोनों टेल लाइट पर आ जाती है, और यहाँ पर दोनों मिरर पर भी आ जाएगा। यहाँ पे इंडिकेटर भी हमने लगाया हुआ है ये जाली फिनिश में, तो ये भी हमने लगाया हुआ है। और हाँ गाइस, फ्रंट पोर्शन में आप देख सकते हो कि हमने ये गोल्ड गार्ड लगाया हुआ है जो कि डिज़ाइन वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मैं आपको पन्नी निकाल के दिखा दूँगा, और यहाँ पे हमने दोनों हेडलाइट पे DRL भी लगाई हुई है, आप देख सकते हो। और हाँ गाइस, यहाँ पर हमने क्रोम किट भी इंस्टॉल की हुई है, फॉगलाइट भी इंस्टॉल की हुई है, आप देख सकते हो। इसका भी विज़न मैं आपको नाइट में हो सके तो दिखा दूंगा। और यहाँ पे हमने जो किया हुआ है वो स्पॉइलर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये स्पॉइलर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, दोनों इक्को में हमने इंस्टॉल किया हुआ है जो स्पॉइलर इंस्टॉल। तो गाइस, कंपनी ने आपको साइड में स्टेप दिया हुआ था, रियर में स्टेप नहीं दिया हुआ था, यानी हमने रियर में भी स्टेप इंस्टॉल कर दिया है, जो कि कंपनी ने दिया हुआ है साइड पे, वैसा ही सेम हमने रियर में इंस्टॉल किया हुआ है, यानी ब्लैक और सिल्वर जो कि एल्यूमिनियम विद SS रहने वाला है, यानी इसमें कोई जंग बंग लगने का कोई चांसेस नहीं रहते। और हाँ गाइस, इस इक्को में हमने जो CNG भी मॉडिफिकेशन किया हुआ है, यानी जो पहले कंपनी का CNG था वो पूरा यहाँ पर था, तो इसको भी शिफ्ट करके हमने नीचे लगा दिया है, जो कि इसमें कंपनी की कोई गारंटी अवॉइड नहीं होती। और हाँ गाइस, इससे स्पेस भी आपको ज़्यादा मिल जाती है रियर में, तो ये बहुत ही अच्छी फीचर्स है कि हम CNG शिफ्ट कर सकते हैं, और जिसको नहीं करनी वो BS6, ये देखो पहले ऐसी CNG थी, जो कि इस गाड़ी में हमने CNG शिफ्ट नहीं की हुई है, तो यानी एक ऐसी रहती है CNG जो कि कंपनी देती है, और यहाँ पर हमने शिफ्ट करके हमने CNG का जो गैस है वो हमने नीचे उतार दिया है, यानी इसमें भी कंपनी की कोई गारंटी अवॉइड नहीं होती। और हाँ गाइस, ये सभी वर्क यहाँ पे कमलेश कार ऐसे सर्विस पे ही हो रहा है, यहाँ पे इक्को में भी वर्क स्टार्ट है, और यहाँ पे हमने व्हील कैप भी लगाई हुई है, इसमें पावर विंडो भी लगाया हुआ है, जो कि सेंट्रल लॉक भी लगाया हुआ है, तो वो भी मैं आपको चेक करवा लूँगा। ये पावर विंडो हमने RT ब्रांड का लगाया हुआ है, इसमें भी 1 ईयर की वारंटी रहती है, और जो सेंट्रल लॉक लगाया हुआ है इसमें भी 3 ईयर्स की वारंटी रहती है, यानी वो सब भी मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दूंगा। यहाँ पे गार्ड हमने इंस्टॉल किया हुआ है प्योर SS वाला, यही गार्ड हमने वो दूसरी वाली इक्को में लगाया हुआ था। यहाँ पे हमने DRL भी इंस्टॉल करने का वर्क स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे हॉर्न भी इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हो। ये आपको ये क्रोम की पूरी जाली भी हमने लगाई हुई है, और जो क्रोम सेट है वो भी इसमें पूरा लगाया हुआ है, यानी हमने जो बाउल है कटोरी वो भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे विंडो गार्डनेस भी हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हो, और जो फ्लोरिंग है इसमें फ्लोरिंग का वर्क बाकी है, पीछे लग चुकी है फ्लोरिंग, तो यहाँ पे हमने ऊपर कैरियर भी इंस्टॉल किया हुआ है स्टेनली का, प्योर SS और एल्यूमिनियम का रहने वाला है, तो यहाँ पे ये भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। दोनों गाड़ियों में सन प्रोटेक्टेड फिल्म भी है, जो कि हीट रिजेक्शन के लिए आती है, दोनों गाड़ियों में हमने लगानी है, तो उसमें लाइट ग्रीन शेड है। यहाँ पर हमने सेंटर लॉक इंस्टॉल किया हुआ है इस वाली इक्को में, जो कि धर्मपुर से आई हुई है स्पेशली मॉडिफिकेशन के लिए, तो यहाँ पर हमने RD का सेंटर लॉक भी इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि ये अनलॉक और यहाँ पे साइलेंट पे करना हो तो भी हो जाएगा अनलॉक। और हाँ गाइस, इसमें जो RD का सेंटर लॉक हमने लगाया हुआ है इसमें 3 ईयर्स की वारंटी रहती है, और ये जो
आप देख रहे हो मॉडल, तो इसमें डबल रिमोट रहने वाला है, ऐसा नहीं कि सिंगल रिमोट, इसमें डबल रिमोट रहने वाला है। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमने प्योर SS वाला, जो कि ब्रॉड साइज़ का जो बैग रहता है डिज़ाइन वाला, वो हमने लगाया हुआ है। और जो उसके पीछे जो रियर में हमने यहाँ पे फ्रंट ग्रिल भी हमने लगाई हुई है, आप देख सकते हो कि हमने हेडलाइट DRL भी इंस्टॉल की हुई है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये अनलॉक करके ही ऑरेंज में आ जाएगा। दोनों साइड हमने लगाई हुई है, जो कि दोनों का सेट ही रहता है। और अगर इस यहाँ पे हमने क्रोम किट भी इंस्टॉल की हुई है, अब जैसे कि आप देख रहे हो कि फ्रंट ग्रिल, जो कि हेडलाइट, उसमें दोनों हेडलाइट में दी हुई है। यहाँ पे फॉग लाइट में भी हमने लगाया हुआ है, जो कि क्रोम, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे फॉग लाइट भी हमने इंस्टॉल की हुई है, ये भी मैं आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाऊँ। और इसका फोकस भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। मैं अभी बात करना चाहूँगा साइड ऑफ मोशन की। तो यहाँ पे साइड ऑफ मोशन में हमने यहाँ पे विंडो गार्नेस इंस्टॉल की हुई है, फिंगर बाउल इंस्टॉल किया हुआ है, या हैंडल पे भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है, और जो मिरर क्रोम है वो भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इंडिकेटर दोनों साइड हमने इंस्टॉल किया हुआ है, और जो कंपनी का जो यहाँ पे आया हुआ था वो वैसा ही हमने सेम रियर में भी इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर हमने कैरियर रूफ कैरियर भी इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि एल्यूमिनियम और SS में रहने वाला है। यहाँ पे 13 इंच की हमने व्हीलकैप भी इंस्टॉल की हुई है। डिज़ाइन अलग है, पर जो डिज़ाइन है वो भी मैकविल के हिसाब से ही लगाई हुई है। और जो सन प्रोटेक्टर फिल्म भी आगे फ्रंट में भी हमने इंस्टॉल की हुई है, यानी हीट रिजेक्शन भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इसमें। यहाँ पे फुल मैटिंग भी इंस्टॉल की हुई है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा फुल मैटिंग इंस्टॉल किया हुआ है। और जो कि हमने पावर विंडो इंस्टॉल किया हुआ है RD कंपनी का, ये आप देख सकते हो। वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये ऑफ हो जाएगा, और वो वाला भी अभी ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे भी ये जो RD कंपनी का हमने पावर विंडो इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें भी 1 ईयर की वारंटी साथ में ही रहती है। और यहाँ पे हमने फ्लैग लगाया हुआ है, फ्रंट में फिल्म लगाई हुई है, जो कि अब मैटिंग का भी फिनिशिंग एक एक तरह से देख सकते हो कि कितना प्रॉपरली हमने फिटिंग किया हुआ है। यहाँ पे रियर पोर्शन में भी हमने जो मैटिंग लगाई हुई है, वो भी पूरा मैटिंग हमने फुल मैटिंग किया हुआ है, यानी ये डबल स्टिच में रहने वाला है और 3M का मटेरियल रहने वाला है। और रियर पोर्शन की मैं आपको बात करना चाहूँगा, तो यहाँ पे रियर में हमने स्पॉइलर, ऊपर रूफ स्पॉइलर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि पूरा ओरिजिनल फिटिंग के साथ रहने वाला है, और जो कलर भी है उसका ओरिजिनल ही रहने वाला है। यहाँ पर टेललाइट क्रोम की मैं बात करना चाहूँगा, जो कि इक्को में टेललाइट क्रोम लगने से पूरी गाड़ी का पूरा गेटअप चेंज हो जाता है। यहाँ पर नंबर प्लेट गार्निश हमने लगाई हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे हमने जो कंपनी की ओरिजिनल डिज़ाइन ली हुई थी जो साइड पे, वहाँ पे हमने रियर में भी ओरिजिनल जो डिज़ाइन थी वही हमने लगाई हुई है, जो कि एल्यूमिनियम विद SS रहने वाला है, और ये बहुत ही हैवी ड्यूटी रहता है गाइस। अभी मैं आपको बात करना चाहूँगा अंदर की, जो रियर में, तो यहाँ पे हमने CNG का मॉडिफिकेशन किया हुआ है, जो कि कंपनी का पूरा यहाँ पे CNG था, तो हमने ये कंपनी की CNG हटा के यहाँ पे नीचे शिफ्ट की हुई है, तो पूरा प्रॉपर ही फिटिंग रहता है इसमें, और ना ही इसमें कोई कंपनी की गारंटी वारंटी अवॉइड होती है। तो गाइस बेफिक्र रहिए इसमें भी, तो ये तो कंपनी का सामान है, ये चला जाएगा। और अभी मैं बात करना चाहूँगा ओनर ऑफ द कार, ओनर ऑफ द कार दिनेश भाई, कैसा लगा हमारा? बहुत अच्छा लगा आप सर, हम यूट्यूब पे ऊपर एक चैनल वीडियो देख के ही हम यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा लगा है, लोकेशन अच्छा इधर देखे, और जो टीम वर्क और काम सबका बहुत अच्छा लगा। आपके साथ दूसरी भी 2 गाड़ियाँ भी अभी बन रही है, और उसका भी काम स्टार्ट है। मैंने भाई को टाइम दिया था कि 4-5 बजे को गाड़ी मिल जाएगी, टाइम टू टाइम मिल गया, तो टाइम टू टाइम हमने गाड़ी भी इनको दे दी है। और सब जो सभी तरह का हमने वर्क किया है वो कैसा लगा? बहुत लगा, जो कोई हम दूसरी गाड़ी लेने वाले हैं इधर ही आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, ऐसा ही सपोर्ट हमारे पास बनाए रखे। राजस्थान से प्रॉपर आए हुए हैं, जो भिलवाड़ा है वहाँ से आए हुए,
है स्पेशली इको गाड़ी का मॉडिफिकेशन करवाना है, तो यानी आपके भाषा में भी एक बार राजस्थानी भाषा में भी आप बोल सकते हो। सभी दोस्त भिलवाड़ा मोटा आबो चाहो तो बढ़िया आनो कार एसरीज में, एसरीज बढ़िया है, बढ़िया काम करा, बढ़िया काम करा। थैंक यू सर। दिनेश भाई आपका नाम क्या है? बाबू भाई। बाबू भाई थैंक यू, थैंक यू सर। तो इस ऐसी तरह की मॉडिफिकेशन कमलेश कार पे होती है, तो थैंक यू सो मच। ये गाड़ी का वर्क डन हो चुका है, तो हम जाएंगे दूसरी गाड़ी के पास, तो उसका भी आपको मैं रिव्यू भी दिखा दूंगा, उसमें क्या क्या वर्क किया है वो भी मैं आपको चेक करवा लूँगा। सो इसके लिए भी आप रेडी हो जाओ, ये भी मैं आपको दिखाया रही है। मैं आपको दूसरी कार भी दिखाने जा रहा हूँ और ये भी बहुत दूर से आई हुई। सो गाइस यहाँ पे दूसरी इको का भी वर्क ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कि हमने क्या क्या इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रंटिंग में है वो हमने फ्रंट गार्ड इंस्टॉल किया हुआ है, प्योर SS का रहने वाला है, और जो इसके पाइप है वो भी एकदम ब्रॉड रहने वाला है, यानी आप देख सकते हो MH का पार्सिंग है, और बहुत दूर से गाड़ी आई हुई है हमारे पास स्पेशली मॉडिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने फ्रंट में तो पूरा फ्रंट गार्ड लगाया हुआ है। सेकेंड थिंग यहाँ पर हमने हेडलाइट DRL इंस्टॉल की हुई है, ये भी मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, और जो क्रोम किट भी हमने लगाई हुई है दोनों हेडलाइट पे हमने लगाई हुई है, यहाँ पे फॉग लाइट पे भी हमने लगाई हुई है, तो यहाँ पे फॉग लाइट भी इंस्टॉल हो चुकी है, और ये मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि कैसी लग रही है। आप देख लो जो फॉग लाइट है उसका भी मैं आपको फोकस दिखा देता हूँ कैसा है। ये फॉग लाइट का फोकस है। यहाँ पे हेडलाइट तो हमने स्टार्ट ही नहीं की हुई है, आप देख सकते हो कि हेडलाइट बिना है, ये फोकस है, ये आप देख लो ये हेडलाइट बिना, हेडलाइट ऑन, ये हेडलाइट ऑन के साथ हमने दिखाई हुई है, और जो मैंने पहले दिखाई हुई थी वो फॉग लाइट के साथ ही है। और ये गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने DRL भी इंस्टॉल की हुई है उसका भी फिटिंग पूरी प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, और ना कि इसमें हमने कोई वायरिंग कट किया हुआ है, जो कंपनी की जो ओरिजिनल वारंटी रहती है उसमें कोई अवॉइड नहीं की हुई है, तो यानी प्रॉपर ही हमने काम किया हुआ है, सब सॉकेट टू सॉकेट ही हमने काम किया हुआ है। तो यहाँ पर जो DRL है उसमें मैं आपको इंडिकेटर भी दिखाना, यहाँ पर राइट साइड पे भी ये इंडिकेटर आप देख सकते हो, जो DRL हमने लगाई हुई है उसका भी फोकसिंग बहुत ही अच्छा है लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट साइड के और ये जो लेफ्ट साइड के हमने जो DRL लगाई हुई है वो इंडिकेटर के साथ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ गाइस जो गाड़ी जब ऑन होगी तो तभी का भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कि DRL कैसे लगती है। यहाँ पर मैं एक बार हेडलाइट DRL भी ऑन करके दिखाना चाहूँगा आपको, जो उसका लुक आ रहा है आप देख लो, जो कि पूरा क्रिस्टल आई रहती है वैसे ही हमने DRL हमने इसमें इंस्टॉल की हुई है। और हाँ कैसी है इसमें फॉग लाइट का फोकस भी आप देख सकते हो, जो कि गार्ड लगाया है वो भी हमने प्योर SS वाला लगाया हुआ है, और फ्रंट गार्ड पूरी हैवी ड्यूटी के साथ ही रहने वाला है, प्रॉपर इको का रहने वाला है। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा साइड पोर्शन की, तो यहाँ पर हमने मिरर क्रोम लगाया हुआ है, इंडिकेटर भी दोनों साइड हमने लगाए हुए हैं, जो हैंडल के क्रोम्स है वो भी हमने कवर लगाए हुए हैं, हाई इंफ्रारेड सन रिजेक्टेड फिल्म भी इसमें हमने इंस्टॉल की हुई है, ये ग्रीन टोन में है, यानी बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है गाड़ी का आप देख सकते हो। और हाँ गाइस यहाँ पे हमने रियर पोर्शन में स्पॉयलर भी ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हो ओरिजिनल फिटिंग में आएगा और ओरिजिनल कलर में आएगा, 19-20 भी नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो पीछे रियर में टेल लाइट भी हमने लगाई हुई है, जो टेल लाइट क्रोम वो भी हमने लगाई हुई है, जो रियर में स्टेप है वो भी हमने लगाया हुआ है, वो भी पूरा प्योर SS का रहने वाला है, यानी इसमें भी कोई जंग बंग के कोई चांसेस नहीं रहने वाले। यहाँ पे टेल लाइट की भी आप फिटिंग देख सकते हो जो कितनी प्रॉपर लगाई हुई है, यहाँ पर नंबर प्लेट गार्निश भी हमने लगाई हुई है क्रोम में, और यहाँ पे जो साइड में जो फुट रेस्ट है वो भी हमने लगाए हुए हैं प्योर SS वाले। इसमें आपको डिज़ाइन चाहिए तो कंपनी के ओरिजिनल फुट स्टेप भी मेरे पास जो MGP वाले हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं, तो यानी वो भी मैं आपको
लगा के दे दूँगा। और यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द पोर्शन में बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे हमने फुल मैटिंग किया हुआ है जो कि ड्यूअल स्टिच के साथ रहने वाला है। और हाँ गाइस, ये बहुत ही अच्छा मैटिंग है, इसमें ना कोई स्मेल आती है और फिटिंग भी बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो यानी यहाँ पे स्टेयरिंग कवर भी इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे सीट कवर भी हमने जो लगाए हुए हैं वो प्रॉपर हमने लगाए हुए हैं इको के। तो यहाँ पे कॉटन बेस वाला हमने लगाए हुए है, आप देख सकते हो उसका फिनिशिंग भी। तो यानी मेन चीज़ इसमें क्या रहता है कि महाराष्ट्र बहुत ही गर्मी रहती है, तो कस्टमर की चॉइस ही थी कि मुझे सीट कवर कॉटन बेस में चाहिए, तो हमने कॉटन बेस पूरा लगा के दे दिए। तो इसमें आपको गर्मी के चांसेस बहुत ही लो रहते हैं। रियर पोर्शन में भी हमने कॉटन बेस वाले सीट कवर ही इंस्टॉल किए हुए आप देख सकते हो। और जो मैटिंग भी है वो भी हमने 3M वाली जो ड्यूअल स्टिच वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेंटर लॉक है वो भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है और ये फ्लिप की के साथ हमने इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसके की भी देख सकते हो। हाँ गाइस, ये मारुति सुजुकी इक्को में हमने ये लगाया हुआ है और इसका पीछे से भी आप लुक एक बार चेक कर सकते हो, जो सुजुकी का लोबो है और ये प्रॉपर ही रहता है गाइस, आप देख सकते हो ये अनलॉक। तो बहुत ही अच्छा रिमोट है गाइस, और जो सेंटर लॉक है उसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है। तो यानी आपकी गाड़ी में भी ऐसा सेम लगाना तो भी आप लेके आ सकते हो कमलेश कार पे, सभी तरह का मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है और सभी कार्स का हो जाता है। वर्क पूरा डन कर दिया और अभी मैं आपको मिलवाना चाहूँगा ओनर ऑफ द कार मिस्टर से। सर कैसा लगा हमारा वर्क? बहुत बढ़िया है, फिनिशिंग के साथ किया गया है। मतलब मैं एक्चुअली जैसे आपके वीडियो देखता था ना, फिनिशिंग के साथ काम होता है क्या, वो मैंने वाकई क्रॉस चेक किया, फिनिशिंग के साथ काम हुआ है। थैंक यू सर, और स्पेशली थैंक्स आपको सनन भाई, इन्होंने बहुत सारा हमारा वीडियो देखा हुआ है और फिर हमारा वहाँ काम करवाने के लिए आया है। और स्पेशली कहाँ से सर? हम औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद से आए हुए हैं, जो नासिक से आगे बढ़ता है वो स्पेशली सिर्फ इक्को का मॉडिफिकेशन करवाने यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे साथ बने हुए हैं। तो काम कैसा लगा सर? काम बहुत ही बढ़िया गई है, पूरा जो जैसा प्रॉमिस किया था आपने बस वैसे ही काम हुआ। और जो सर आप कब आए थे? कल हम शाम में तकरीबन 8-8:30 बजे आए, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हमारे आने के बाद जो क्लोज शॉप था इन्होंने ओपन किया रात में ही, हमें एक्सेसरीज दिखाई। और एक बोलते हैं ना, इंसानियत भी होती है, हमारे होटल में रहने का भी पूछा गया, यहाँ तक कि हमें घर पे भी इनवाइट किया, तो वो उतना ख्याल यहाँ इन लोगों ने रखा है। तो थैंक यू सो मच। और सर आपके उधर भी जो गाड़ियाँ हैं उनको भी हमारा रेफरेंस कीजिए, हम ऐसा काम करते हैं। और स्पेशल थैंक्स टू सैनन भाई जो कि हमारा वीडियो देख के आए हुए हैं, और एलेक्स भाई, और ये सर आपकी की थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारी कमलेश कार एसोसिएशन।